नमस्कार, आप देख रहे बुंदेली दर्पण खबर। आपके बता रहे छतरपुर जिला के किशनगढ़ से जिते एक व्यापारी के चूना लगा के दुल्हन शादी के दो दिन बाद ही फरार हो गई। आपके बता दें सपना तिवारी नाम की महिला ने किशनगढ़ के एक व्यापारी से पहले तो शादी करी और शादी के महज दो ही दिन बाद सबरे जेवर लेके अपने साथियों के संगे फरार हो गई। जबकि रिपोर्ट व्यापारी के द्वारा करी गई तो किशनगढ़ पुलिस ने ये महिला के एक भाई और तीन अन्य साथियों के संगे सागर से गिरफ्तार करो है और जो जेवर इनके द्वारा ले जाओ हो तो वो भी बरामद करो पुलिस ने। आपने बता दें किशनगढ़ की जा पूरी बात और इन्हें पुलिस ने ई लुटेरी दुल्हन और के साथ ही इन्हें पकड़ने में सफलता हासिल करी है। हाँ, पिछले 23 तारीख को 23/3/19 को ग्राम किशनगढ़ के फरियादी आकर थाने में बताया कि 4 तारीख को मेरी शादी हुई थी अपने नाम सपना तिवारी से। तो शादी के दो दिन बाद ही पूरे जेवरात लेके और अपने सहयोगी के साथ भाग गई। रिपोर्ट पर अपने अपराध कायम किया गया। अपराध के दौरान उनको तलाश की गई जो काल्पनिक नाम सपना तिवारी, उसका भाई गोलू तिवारी और उनके अन्य तीन साथियों को गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से 10,000 रुपये, 12,000 रुपये नकदी और सोने के नेकलेस, सोनों के टफ्स, सोने के एक मंगलसूत्र और सोने की अंगूठी, 2 जोड़ चांदी के पायल, कुल सारे जेवरात बना दस्तियाब किया गया। कुल मसूर का करीब 1.5 लाख रुपये दस्तियाब किया गया जिनके लिखा पढ़ी कर मंजूर।